उत्तर कुमार अपने हथियार लेकर के रथ पर विराजमान हो गया और हिजड़े के भेष में अर्जुन सारथी बनकर के रथ हांकना शुरू कर दिया, लेकर के रथ उत्तर कुमार को रणभूमि के उसी क्षेत्र में पहुंच गया जहां दुर्योधन ने गऊओं को बंदी बना करके रखा। सजनों, जब उत्तर कुमार ने रथ में खड़ा होकर के दुर्योधन की सेना को चारों तरफ से देखा तो सेना में तो बड़े बड़े योद्धा सेना में नजर आए। पितामह भीष्म, कुलगुरु द्रोणाचार्य, कृपाचारी, ऐसे ऐसे जब योद्धा ने सामने देखे तो उत्तर कुमार का पानी बन गया। कहने लगे, रे सारथी रथ ने उल्टा कर ले। क्यों रथ ने उल्टा कर ले? अरे तू तो मन्ने मरवाने ले आया, ये मन्ने ना छोड़े। अर्जुन कहने लगा कि डर गया, बस इतनी हवा थी लिगट ली। अरे अरे हिजड़े तू क्या कह रहा है? अर्जुन हंस रहा है और कहता जा रहा है, अरे हिजड़े तुझे हंसी आती है? मेरा दिल कांप रहा है, रथ को वापस कर ले, अपने घर चल। सज्जन अर्जुन सोच गया कि उत्तर कुमार डर गया। कहने लगे कि कारण क्या है कि इस सेना से अगर युद्ध करने की क्षमता रखता है तो दुनिया में केवल एक योद्धा है जो दुर्योधन और इन योद्धाओं से टक्कर ले सकता है। दुनिया में हिजड़े सिर्फ और सिर्फ एक योद्धा है कि कौन? वो कुंती पुत्र अर्जुन। इनसे टक्कर कुंती पुत्र अर्जुन ले सकता कि हां? सुन वरात भूप के लड़के, जी हिजड़े मेरा नाम कुंती पुत्र अर्जुन है। एकदम से सज्जनों ने तरलाल हो गए, आंखों में खून उतर आया, छत्रा बन जा गया, जोश आ गया और रथ से नीचे आया कि हवन संध्या और गायत्री विप्र के नाम बताऊं? अरे वैराट भूप के सुन बेटे, तने बारह नाम गिनाऊं। मेरा नाम कुंती पुत्र अर्जुन है, गर्दिश का मारिया हूं, एक साल से तुम्हारे यहां ही जिला बन करके रह रहा हूं। तुम्हारी तो हिम्मत नहीं है सेना से युद्ध करने की, लेकिन मैं, मुझे आज 13 साल के बाद ये मौका मिला है। सज्जन अर्जुन ने हिसाब लगा लिया कि वास्तुकला के हिसाब से, पत्रा के हिसाब से 12 साल का वनवास पहले खत्म हो गया और उस समय 13वां साल अज्ञातवास के, अज्ञातवास का 13वां साल भी खत्म हो लिया था। सजनों, विराट भूप के या नौकरी करने से पहले 1 साल के लिए अपना गांडीव धनुष व कुंती पुत्र अर्जुन एक समी वृक्ष पर बहुत ऊपर टांग करके गया था और वादा करके गया था कि 1 साल के बाद आऊंगा और फिर तुझे चचकारूंगा, फिर तेरा सम्मान करूंगा। सजनों, समी वृक्ष पर चढ़िया, अपना गांडीव धनुष उठाया और धनुष पर तीर चढ़ाया और तीर चढ़ा करके सामने दुर्योधन की सेना, बड़े बड़े योद्धाओं में पितामह भीष्म और अपने कुलगुरु यानी अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास एक संदेशा भेजते हैं। कौन? वो कुंती पुत्र अर्जुन। रागनी का एक एक बोल कसूता, आइए क्या संदेशा भेज रहे हैं, ये रागनी मेरे द्वारा आपके बीच में रहेगी, आइए सुनेंगे। बड़े भाई रागनी प्रेमी श्रोता, लीलू पहलवान जी टिकली से जो हमारे बीच में 200 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए, तरकस में से वो तीर निकाल रहे हैं कुंती पुत्र अर्जुन और उस तीर से क्या कह रहे हैं कि जाओ, मेरे यहां से तुम्हें जाना है और जाकर के क्या करना है, क्या कहना है, किससे कहना है और कैसे कहना है, आइए सुनो। हो अरे आना हो तीर आना
अरे जाके ये बतलाना चेले आलिए, हो जाके ये बतलाना चेले आलिए, आना पीर आना हो मेरे गुरु तोरे जाना, जाके ये बतलाना चेले आलिए, हो जाके ये बतलाना चेले आलिए। बतलाना तेरे चेले आ लिए। और पहली गली में क्या कहता है, क्या लिख दिया? हेलो अरे बाबा भी तम द्रोणाचारी दोनों से प्रणाम कहिए, चरण छू के उन बूटों से कहानी तमाम कहिए, अरे हो गए तेरे साल मेरे ना दिल में आराम कहिए, हो गए तेरे साल मेरे ना दिल में आराम कहिए, अरे यूं कहिए कोई वीर नहीं जंगबानों में नहीं लग्या, और टूटिया कोई तीर नहीं गर्दन नीची कर लेंगे आज द्रौपदी का चीर नहीं, गर्दन नीची कर लेंगे आज द्रौपदी का चीर नहीं। और कहने लगे तीर जाकर के कहना इन बुड्ढों को शर्म नहीं आई, इनके शर्म का खोज नहीं रहा, इन्हें शर्म आनी चाहिए थी। इस दुर्योधन को लेके अरे दूल्हा यार बना के हुए राजपुरी में आके उतरा बिहार ये, हो जाके ये बतलाना चेले आलिए। अर्जुन तीर के सहारे तीर के द्वारा क्या संदेश भेज रहे हैं पिता में भीष्म कुलगुरु द्रोणाचार्य के पास, क्या लिख दिया वाला, क्या बता दिया? हरकतों से भरा हुआ याद है मैं भूला नहीं, ए भीम चेहरे भरा हुआ बरनावे का वो बरनावे का लखा मंदिर नजरों आग तीला हुआ, बरनावे का लखा मंदिर मेरी नजरों आग तीला हुआ, हर पल से भुजवल फड़क रहे नेत्रों में खून कहना, अरे अनगिन शीश उड़ाए जा मेरा ठंडा ना जनून रहना, हर पांडवों की चक्की में आज कौरवों का चून कहना, पांडवों की चक्की में आज कौरवों का चून कहना, मेरे सामने आवे जाके कह दे कि एक एक मेरे सामने आके मुंह दिखाओ, वो मेरे सामने आवे अरे आके मुंह दिखावे आके मुखड़ा दिखलावे चुलबड़े ढालिए, जाके ये बतलाना चेले आलिए। हो
करण दुशासन सुगनी ने न्यू मिलके सलाह बनाई होगी दुर्योधन की हो दुर्योधन की बहू बने नू आके करी चढ़ाई होगी दुर्योधन की बहू बने नू आके करी चढ़ाई होगी। यूं लिख दिया कि आयु कमर रूपवती की आयु कमर रूपवती वो कवल नैन की जाई होगी करण दुशासन सुकनी ने ये मिलके सलाह बनाई होगी और दुर्योधन की बहू बने आज आके करी चढ़ाई होगी। करण दुशासन सुकनी ने जाल रचा होगा जुए की तरह सलाह मिलाई होगी कि भाई विराट गोप की लड़की बड़ी सुंदर है चलो दुर्योधन की बहू बनाऊंगे दुर्योधन की बहू बनाएंगे। हिम्मत है तो विराट नगर में कदम धर के देखो हिम्मत है तो कह देना एक एक ते विराट नगर में कदम रख के देखो विराट नगर में तुम्हारा कदम जब पड़ेगा जब पहले तुम्हें किसका सामना करना पड़ेगा। उत्तरा कुमारी विराट भूप की बेटी नहीं है किसकी बेटी है आज आन बान शान और इज्जत की बात है क्या बता दिया तीन लाइनों में कैसे रास्ते में सांप बैठा पहले उसते जंग करो अरे पहले उसते जंग करो वो तो वर्षों से चुपचाप बैठा कवल नैन की जाई उतरा अर्जुन बन के बाप बैठा कवल नैन की जाई उतरा अर्जुन बन के बाप बैठा। मेरे कैरो लगे हैं भाई दुर्योधन बने जवाई यूं कह के सुरती छाई शस्त्र ठा लिए हो जाके ये बतलाना चले आ लिए से वो कौवे चिल जिमावेगा किसी के एक दो रंड होए थरे सो करके बैठावेगा किसी के एक दो रंड होए थरे सो करके बैठावेगा। बखेरेगा बीसम जी के श्याणे पन पे भर भर माटी गेरेगा गुरु शरण दास का ज्ञान जय करण करके टहल सके रहेगा गुरु शरण दास का ज्ञान जय करण करके टहल सके रहेगा। जो फेरेगा वो माला जब फेरेगा वो माला सुध लेंगे नंदलाला माँ भारत का मतवाला राग तू गा लिए हो जाके ये बतलाना हो चले आ लिए हो तीर आना हो मेरे गुरु दौर जाना जाके ये बतलाना हो चले आ लिए हो जाके ये बतलाना